मैंने हमेशा वही फैसला लिया जो शायद उस समय पे सही था। अभिषेक के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन था शो में, और बहुत अच्छे से हम लोग स्टार्टिंग के दिनों में क्लोज थे, बट दिवाली टास्क के बाद उस कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ तरफ से हुई जिसको लेके मैं खुश नहीं था। फिर आयशा जब आई तो मुनव्वर भी एक सर्टन तरीके से अपना स्टैंड नहीं रख रहे थे उन चीज़ों में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और रियल होने की उनको ज़रूरत थी उस सिचुएशन में। तो मैंने उनको हमेशा कॉल आउट भी किया और बोला भी मैंने उनको कि आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से रखिए लोगों के सामने, अभी बिग बॉस का घर है, आप यहाँ से इससे बच नहीं सकते, अभी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं तो आप इवेंचुअली अपना जो सच है उसको लोगों के सामने रखिए, अब लोगों को डिसाइड करने दीजिए वेदर वो उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कर पा रहे थे, कुछ चीज़ें थी वो नहीं कर पा रहे थे, तो मैं बहुत मतलब मैंने हमेशा उन चीज़ों को हाईलाइट किया जो उस समय पर हो रही थी, और मैं हमेशा उनके लिए वोकल रहा और मैंने जाके फेस टू फेस उन चीज़ों की बात की, कभी अभिषेक हो चाहे मुनव्वर हो, मैंने सबको फेस टू फेस जाके सब कुछ बोला जो मैं सोच रहा था बहुत स्ट्रांगली। मुनव्वर के आर्ट फॉर्म को मैंने हमेशा बहुत पसंद किया, मैंने उसको हमेशा बोला कि तू बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और उसने खुद एक्सेप्ट किया शो के ड्यूरेशन में कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग जहाँ जहाँ अपनी लाइफ में गलत रहे हैं उनमें वो सुधार लाना चाहेंगे, तो आई फील बस वो सुधार ला ले उसका पर्सनल मैटर है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो घर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो जब तक आप उस घर में रहते हो तब तक रहती है, क्योंकि उससे निकलते ही जब आप अपने घर में लौटते हो, अपने घर वालों के साथ मिलते हो और जिन लोगों ने आपको प्यार दिया होता है आपकी जर्नी में, आप उसमें इतने ज़्यादा खुश और इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि फिर वो फीलिंग्स वो प्रॉब्लम शायद उस घर में ही रह जाती हैं और शायद सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं सबके बीच में। तो मुझे नहीं लगता किसी के दिल में बहुत ज़्यादा कुछ।